हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपके एडसेंस अकाउंट में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया है और अब आप अपना एड्रेस वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए गूगल एडसेंस की तरफ से आपको एक पिन भेजा गया होगा, उससे आप अपने इस एड्रेस वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरा यहाँ पर गूगल एडसेंस पिन आ चुका है। तो इसके द्वारा आज हम आपको इसका वेरिफिकेशन करके बताने वाले हैं, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको अपने एडसेंस अकाउंट में आ जाना है। एडसेंस अकाउंट में आने के बाद सिंपल आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक्शन का बटन मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे एड्रेस वेरिफिकेशन का एरर दिख रहा होगा, तो हम सिंपल यहाँ पे एक्शन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो अब आप सिंपल यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आपको ये एक्शन वाला बटन नहीं भी मिलता है तो आप सिंपल यहाँ पर पेमेंट मोड में वेरिफिकेशन चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप सिंपल यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद देखिए दोस्तों, जो मेरा एडसेंस पिन है वो यहाँ पे 24 अप्रैल 2023 को निकल चुका था मेरे घर के लिए। तो देखिए दोस्तों, आज आप यहाँ पे डेट देखेंगे 9 मई 2023 है, यानी करीब 2 हफ्ते का टाइम लग गया है, जिससे मेरा ये एड्रेस वेरिफिकेशन का जो पिन है मेरे घर पर आ चुका है। एडसेंस पिन को खोलेंगे और यहाँ पर जो भी उसके अंदर पिन होगा वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। देखिए दोस्तों, मैंने अपना यहाँ पर पिन खोल लिया है। अब मैं सिंपल यहाँ पर अपने पिन को एंटर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने अपना पिन डालने के बाद अब हम सिंपल यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा यह एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका एड्रेस पिन आने में 3 से 4 हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन मेरा दोस्तों यहाँ पर 2 हफ्तों के अंदर ही आ चुका है। लेकिन आपके केस में हो सकता है कि यहाँ पर टाइम लगे इसमें, तो उस केस में आपको घबराना नहीं है दोस्तों, आपको यहाँ पर 4 हफ्तों का वेट करना है। 1 महीने के अंदर लगभग आपके एड्रेस पर एडसेंस पिन भेज दिया जाएगा, जिससे आप अपने एडसेंस अकाउंट के वेरिफिकेशन को कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे पिन डाल दिया है, अब हम सिंपल यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो चुका है और यहाँ पर एड्रेस वेरिफिकेशन भी कम्प्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों, मैंने अपने दोनों ही स्टेप कम्प्लीट कर लिए हैं वेरिफिकेशन के। इसी प्रकार से दोस्तों, आप भी अपने एडसेंस अकाउंट के एड्रेस और आइडेंटिटी दोनों वेरिफिकेशनों को कंप्लीट कर सकते हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाके वह वीडियो देख सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि हमने अपने दोनों ही एडसेंस के वेरिफिकेशनों को कंप्लीट कर लिया है। और अगर दोस्तों आपके एडसेंस अकाउंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको यदि आपके YouTube चैनल को मोनेटाइज करने में भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे Instagram ID पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा और आपकी हेल्प करूंगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और अगर दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें।